क्वार नगर पालिका चेयरमैन शफीक अंसारी 21 सभासदों सहित अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। संजय कपूर ने कहा, हमें जिस तरह जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है उससे ये साबित हो गया है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और रामपुर में सभी लोग जुल्म के खिलाफ एक मंच पर आ गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि जो हालात देश व प्रदेश के हैं उससे हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना है, क्योंकि ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा वो जो दिलों को तोड़ने का काम करती है और एक विचारधारा वो जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। हरेक आदमी मिलेंगे 6,000 रुपए गरीब आदमी को, तो आपकी वजह से किसी गरीब आदमी का भला हो तो बताइए आप वोट दे सकता कांग्रेस को? नहीं है तो आप सब लोग मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें और घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। इंशाल्लाह जो भी काम होगा हमारे स्तर का, स्वर नगर पालिका के स्तर का, ये मिला के स्तर का, वो हम करा देंगे। वो जहां पे नहीं होगा वहीं से करवाएंगे और वो इनसे नहीं होगा ऊपर से करवा देंगे इंशाल्लाह। समर्थन किया आपकी पार्टी का, क्या कहना चाहिए जी? आज मुझे बहुत खुशी है कि आज स्वार के चेयरमैन शफीक अंसारी साहब ने तमाम साथियों के साथ और ब्लॉक के तमाम प्रधान और बीडीसी मेंबर नगर पालिका के सदस्य गुजार और तमाम अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान किया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मौजूदा परिस्थिति में जो समीकरण है, दो विचारधारा है, एक विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा जो सबको साथ लेके चलती है और एक विचारधारा वो है जो भारतीय जनता पार्टी की है, कम्युनल विचारधारा है। इन दो विचारधाराओं की लड़ाई है और जो मौजूदा हालात हैं इस पर राहुल गांधी जी को मजबूत करना है तो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर स्वार में और स्वार के आसपास के क्षेत्र में पूरे जिले में कांग्रेस का परचम लहराएगा, लोकसभा की सीट जीतेगी। क्योंकि जो हालात इस समय हैं, जिस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और दोनों लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। एक एक धर्म की बात करता है तो दूसरा दूसरे धर्म की बात करता है। हमें राजनीति में धर्म और जाति से हट के एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबको काम करना है। और कल अब्दुल सलाम साहब ने समर्थन दिया था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत के सब सरदार जावेद खान साहब शामिल है, उनका भी आज सुबह शायद इलाज खान साहब ने समर्थन दिया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले डॉक्टर तनवीर साहब जो रामपुर से एमएलए लड़े थे और पप्पू खान चेयरमैन पूर्व चेयरमैन शाहबाद के, सभी ने कांग्रेस को समर्थन दिया क्योंकि देश को आवश्यकता इस समय कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो हमारा देश कमजोर होगा, क्योंकि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। इसीलिए सब लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आश्वासन।